श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भाई रब बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। घर कितने प्रकार के होते हैं? घर मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। एक वो घर जहां ऑफिस से या बाहर घूमने जाओ तो वापस जाने में डर लगे, एक वो घर जहां जाओ तो नींद आए, और एक वो घर जहां जाने का इंतजार हो। अब अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपका घर पहले की दो कैटेगरी में आए। क्यों इस दो कैटेगरी में कोई घर आता है? वास्तु दोष होता है या एनर्जी का डिस्टर्बेंस होता है। इन दो कारणों से घर में पहला चीज जो विलुप्त होता है वो है पीस, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ एनवायरमेंट, और दूसरा चीज जो विलुप्त होता है वो होता है धन। और जब धन विलुप्त होता है तो पीस और ज्यादा जाता है। अगर सिर्फ वास्तु दोष की बात करें तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि फ्लैट सिस्टम में वास्तु का बहुत खेल नहीं होता है, क्योंकि एक फ्लैट एक पूरा घर नहीं माना जा सकता। एक व्यक्ति का फ्लैट पूरा घर नहीं माना जा सकता। मेरे घर में ही वास्तु दोष है, ईशान कोण में वॉशरूम है, घर के मध्य में पूजा घर है, ठीक है। लेकिन जब पूरा मैप देखो तो पता चलता है कि नहीं, चीजें जगह पर हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके घर में कोई किसी भी तरह का दोष है उसको कैसे हटाएं। सबसे पहले ये समझो कि वास्तु से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यंत्र घर में मत टांगना या बिल्कुल मत टांगना, तो वो सर्वोत्तम होता है। क्यों सर्वोत्तम होता है? क्योंकि वास्तु सिर्फ वो आपको बता सक नहीं लगाएंगे, बहुत होगा वास्तु का। अगर बहुत आपको दिक्कत है तो मैंने पहले बताया था आपको, एक पंचमुखी हनुमान का फोटो लगा लीजिए अपने मेन गेट पर, ठीक है, और एक दशमुखी रुद्राक्ष टांग दीजिए घर के मध्य में, ठीक है, स्फटिक रुद्राक्ष और बीच में एक 10 या 11 मुखी ज़्यादा प्रभावी होता है, उसको टांग दीजिए बीच घर में, तो वास्तु का दोष सब हट जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस मंत्र और विधि के द्वारा अगर घर में एनर्जी बिल्कुल सुप्तावस्था में चला गया है, एग्रेसिवनेस घर में बढ़ रहा है, धन की कमी हो रही है, तो किस तरीके से आप अपने घर को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको जो हवन सामग्री पैकेट में आती है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कॉपर का एक छोटा हवन कुंड चाहिए होगा आपको, और शुद्ध घी चाहिए होगा। इसके अलावा आपको चाहिए गंगा जल और एक घंटी, ठीक है, घंटी जो आप बजाते हैं पूजा में आरती में, वो दो चरण में काम होगा। एक तो होगा कि आप जो घर में सुप्त अवस्था में एनर्जी है उसको जागृत करें, जो अनवांटेड एनर्जी है उसको घर से बाहर करें, ठीक है। तो पहले हम उस घंटी को लेंगे, ठीक है, और उसके बाद घर के मध्य से शुरू करेंगे और घंटी बजाते हुए दीवार से सटते हुए एक मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर में घूम करके घर के मध्य में वापस आएंगे। तो वो मंत्र क्या है? मंत्र है ओम आकर्षय महादेवी राम मम प्रियम हे त्रिपुरे देव देवेशी तुभ्यम दस्यामी यंचितम। फिर से सुनिए, ओम आकर्षय महादेवी राम मम प्रियम हे त्रिपुरे देव देवेशी तुभ्यम दस्यामी यंचितम, ठीक है। एक बार घंटी बजाते हुए पूरे घर में आप इस मंत्र को जप के फिर घर के मध्य में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस मंत्र से 108 आहुति देंगे, ठीक। आहुति देने के बाद एक दूसरा मंत्र है, उसका आप लोग उच्चारण करते हुए घर के सारे कोनों में जल, अगर गंगा जल है तो गंगा जल छींटते रहेंगे।
वो क्या मंत्र है जिससे गंगा जल छीटना है? वो मंत्र है ओम प्रियांग प्रियंग प्रोंग सह संगे नमः। ओम प्रियांग प्रिंग प्रोंग सह संगे नमः। ऐसा करके फिर आप घर के मध्य में आएंगे और वहाँ पे करीब एक मिनट तक घंटी या शंख बजाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे गायत्री मंत्र से हवन। गायत्री मंत्र पूरा तो नहीं बोल सकता क्योंकि जो गायत्री मंत्र सुन लेता है वो शिष्य हो जाता है, इसीलिए मैं बता देता हूँ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। इस मंत्र से आप 108 आहुति देंगे, ठीक है। उसके बाद पहले दिन का पूजा आपका संपन्न हो जाएगा। दूसरे दिन फिर उठेंगे, ठीक है, स्नान ध्यान करके घर का नित्य पूजा करेंगे, हाथ में धूप लेंगे, अगरबत्ती नहीं लेंगे, धूप लेंगे, और दूसरे हाथ में घंटी लेंगे, और फिर उसी तरीके से घर के मध्य से शुरू करेंगे। उसके बाद दीवार से सटते हुए पहले जो मंत्र आपको ओम आकर्षाई लिखाया उस मंत्र को पढ़ते हुए घर के सारे कोनों में घूम के फिर मध्य पर आएंगे, ठीक है। मध्य पर आने के बाद कल जो गायत्री मंत्र से आपने हवन किया था उसका भस्म निकाल लेंगे और फिर ओम प्रियांग प्रिंग जो मंत्र आपको बताया उस मंत्र से फिर घर के चारों कोनों में आप घूम करके और उस विभूति को छींटेंगे। इतना करने मात्र से आपके घर का जो एनर्जी लेवल है वो हाई हो जाएगा। इसको टेस्ट करने का जो सबसे आसान और सिंपल तरीका है वो ये है कि जैसे ही इसका प्रभाव शुरू होता है वैसे ही आपके घर में रोशनी बढ़ जाएगी। जिस घर में एनर्जी सुप्ता अवस्था में रहती है, जिस घर में एनर्जी शांत हो जाती है, जिस घर में नेगेटिव और अनवांटेड एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है, उस घर की पहली निशानी होती है कि उस घर में रोशनी घट जाएगी। आप कितना भी लाइट जला लो आपको उस घर में अंधेरा ही दिखेगा, ठीक है। इतना करने के बाद रोज जब तक आपको ऐसा ना लगे कि घर में सब सामान्य हो गया है, जो पहला मंत्र है वो 21 बार और जो दूसरा मंत्र है उसका 9 बार रोज जाप करेंगे। जिसके पास समय है वो पूर्ण रूप से 108 108 दोनों मंत्र का जाप करेगा। गारंटीड आप लोगों के घर में अगर सुख शांति नहीं है और अगर धन नहीं आ रहा है काम करने के बाद भी और घर के चलते ये प्रॉब्लम आपके घर में हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आपका 7 से 21 दिन में इस विधि को करने के बाद सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना का बेसिक सीखना है, मतलब आसन बंधन, दिशा बंधन, अपना बंधन, भैरव की साधना, जो शुरुआती साधना होती है वो दीक्षा से पहले, वो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ @cm4 सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसमें आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9431188585 पे, लेकिन ऐसा तब करें जब आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। अनावश्यक अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप लोगों पे कृपा बरसाए रखे, शांति और समृद्धि दे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी का आदेश आदेश अलग आदेश।